क्लाइमेक्स के मरने के बाद से ही बहुत सारे अलग अलग ऑल्टरनेट टाइमलाइंस क्रिएट होने लगते हैं, जिसके बाद ही हमें ये भी पता लगता है कि वो सारे के सारे टाइमलाइंस एक टेम्पोरल लूम के अंदर फ्लो होते हैं, जो टेम्पोरल लूम है टीवीए के अंदर, और उस टेम्पोरल लूम को बनाया है हीहू रिमेंस ने ताकि वो अपने सेकंड टाइमलाइन को मेंटेन कर सके। लेकिन हीहू रिमेंस के मरने के बाद से ही बहुत सारी नई नई टाइमलाइंस क्रिएट होने लगती है, जिनकी वजह से टेम्पोरल लूम के ऊपर प्रेशर बढ़ने लगता है और वो टेम्पोरल लूम किसी भी पल ब्लास्ट हो सकता है। टेम्पोरल लूम के इसी ब्लास्ट को रोकने के लिए और टीवीए को बचाने के लिए लोकी मोबियस कैसी ओबी और अपने सारे साथियों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है, जिस प्लान के अंदर वो भी सभी को बताता है कि अगर वो लोग टेम्पोरल लूम के साइज को बड़ा कर देंगे तो वो टेम्पोरल लूम नई नई बनने वाली टाइमलाइंस के प्रेशर को झेल पाएगा और उन सबको स्टोर करने के लिए उसके अंदर काफी जगह हो जाएगी। लेकिन उन सबके लाख कोशिशों के बाद भी वो अपने प्लान में कामयाब नहीं हो पाते और इसी के लिए वो हीहू रिमेंस के एक वेरिएंट जिसका नाम विक्टर टाइमली होता है उसे टीवीए के अंदर लाते हैं, जिसके बाद विक्टर टाइमली लूम को ब्लास्ट होने से रोकने में सबकी हेल्प करता है। बट वो लोग इस बार भी फेल हो जाते हैं और टेम्पोरल लूम ब्लास्ट हो जाता है और उसके साथ ही सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन यहीं पर लोकी के साथ एक बार फिर से टाइम स्लिपिंग होती है और फिर धीरे धीरे करके लोकी अपने टाइम स्लिपिंग को कंट्रोल करना सीख जाता है, जिसके बाद वो अपने पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में ट्रैवल कर पाता है, वो भी जब चाहे तब। और फिर एपिसोड 5 के एंड के अंदर लोकी टाइम स्लिपिंग करके सीधा उसी टाइम पर पहुंच जाता है जिस टाइम पर टेम्पोरल लूम ब्लास्ट होने वाला था। अब आगे तो एपिसोड के स्टार्ट होते हम ये देखते हैं ये लोकी टाइम स्लिपिंग के जरिए सीधा उसी टाइम पर आ चुका है जिस टाइम में कुछ ही देर के अंदर टेम्पोरल लूम ब्लास्ट होने वाला है। यहाँ पर आने के बाद लोकी एक बार फिर से देखता है कि विक्टर टाइमली को टेम्पोरल लूम के अंदर थ्रूपुट मल्टीप्लायर को डालने के लिए भेजा गया है। लेकिन जिस तरह से पिछली बार रेडिएशन की वजह से विक्टर टाइमली मर गया था, इस बार भी ठीक वैसा ही होता है और एक बार फिर से टेम्पोरल लूम ब्लास्ट होने लगता है। ये देखकर लोकी ओबी के पास जाता है और वो ओबी से पूछता है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, आखिर वो कौन सी गलती है जिसकी वजह से हम इस काम को पूरा नहीं कर पा रहे। और फिर ये सुनकर ओबी लोकी को बताता है कि हमने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है। ये सुनते ही लोकी ये समझ जाता है कि इस टाइम पर रेडिएशन का लेवल काफी ज्यादा बढ़ चुका है और इसीलिए उसे टाइम स्लिपिंग करके टाइम में पीछे जाना चाहिए और अभी के टाइम के हिसाब से काफी टाइम पहले इस काम को पूरा करना चाहिए। इसके बाद लोकी टाइम स्लिपिंग करके एक बार फिर से टाइम में थोड़ा पीछे जाता है और इस बार वो विक्टर टाइमली को जल्दी से तैयार करके उसे टेम्पोरल लूम को ठीक करने के लिए भेजता है। लेकिन इस बार भी ठीक वैसा ही होता है, विक्टर टाइमली मर जाता है और टेम्पोरल लूम एक बार फिर से ब्लास्ट होने लगता है। ये देखकर लोकी टाइम में और पीछे जाता है और एक बार फिर से सब कुछ जल्दी से करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस बार भी फेल हो जाता है। इसके बाद लोकी टाइम में और पीछे जाता है और सब कुछ जल्दी से करके टेम्पोरल लूम को ठीक करने के लिए विक्टर टाइमली को भेजता है। बट इस बार भी ठीक वैसा ही होता है, विक्टर टाइमली मर जाता है और टेम्पोरल लूम ब्लास्ट होने लगता है। और फिर इसी तरह से लोकी अनगिनत बार कोशिश करता है और वो टाइम में और ज्यादा पीछे जाकर सारी तैयारियों को जल्दी से करके टेम्पोरल लूम को ठीक करने की कोशिश करता है, बट वो हर बार फेल हो जाता है। इसके बाद लोकी टाइम में काफी ज्यादा पीछे आ जाता है, लेकिन टाइम में इतना पीछे आने की वजह से वो उस टाइम के अंदर पहुंच जाता है जिस टाइम पर ओबी ने अपनी मशीन को तैयार ही नहीं किया होता। और इसीलिए ये सब देखने के बाद लोकी ओबी और विक्टर टाइमली से बोलता है कि तुम लोगों को जो भी कुछ आता है वो तुम मुझे सिखा दो। यानी कि ओबी को जो भी फिजिक्स और इंजीनियरिंग आती है वो सारी चीजें लोकी खुद को सिखाने के लिए कहता है। बट ओबी और विक्टर टाइमली उससे कहते हैं कि इन सारी चीजों को सीखने के लिए उसे कई सदियां लग जाएंगी, लेकिन लोकी तब भी मान जाता है और वो ओबी और विक्टर टाइमली से इन सारी चीजों को सीखता है। इसके बाद कई सेंचुरीज बीत जाती है और फिर हम ये देखते हैं कि लोकी अब फिजिक्स और इंजीनियरिंग दोनों चीजों को सीख चुका है और फिर इसीलिए इस बार लोकी खुद उस पूरे मिशन को लीड करता है और सारी तैयारियों को जल्दी से करवाता है। और इस बार लोकी को हर एक चीज पता होती है और इसीलिए वो जल्दी से विक्टर टाइमली को तैयार करता है और उसे सूट पहनाकर टेम्पोरल लूम के पास भेज देता है ताकि वो थ्रूपुट मल्टीप्लायर को टेम्पोरल लूम में डाल सके और उसे फिट करके उसका ग्रीन बटन दबा सके, जिससे कि टेम्पोरल लूम के अंदर टाइमलाइंस का प्रेशर झेलने की पावर आ जाए। लोकी जल्दी से सारी तैयारियां खत्म करता है और फिर वो विक्टर टाइमली को बाहर भेजता है, जिसके बाद विक्टर टाइमली किसी तरह से टेम्पोरल लूम के पास जाता है और थ्रूपुट मल्टीप्लायर को उसके अंदर फिट करके उसके ग्रीन बटन को प्रेस कर देता है, जिससे कि टेम्पोरल लूम के रिंग का साइज बढ़ जाता है और वो ज्यादा टाइमलाइंस के प्रेशर को उठाने के लिए तैयार हो जाता है। और आखिरकार इस बार लोकी अपने प्लान को अंजाम दे ही देता है। ये देखकर पूरी टीम को बहुत खुशी होती है और लोकी विक्टर टाइमली को इसके लिए शाबाशी भी देता है। लेकिन कुछ ही टाइम बाद ओबी लोकी को बताता है कि टेम्पोरल लूम का प्रेशर एक बार फिर से बढ़ने लगा है। बट लोकी ये सुनकर हैरान हो जाता है और वो इसीलिए क्योंकि लोकी सभी को बताता है कि हमने अभी किसी तरह से टेम्पोरल लूम के साइज को बढ़ा दिया है, तो आखिरकार इतनी जल्दी ऐसी प्रॉब्लम फिर से कैसे आ सकती है। बट ये सुनकर ओबी लोकी और सभी को बताता है कि यहाँ पर इनफिनाइट टाइमलाइंस क्रिएट हो रही है, इतनी ज्यादा टाइमलाइंस जिनकी कोई गिनती भी नहीं है, और इसी के लिए चाहे हम कुछ भी कर लें ये टेम्पोरल लूम इतने सारे टाइमलाइंस को हैंडल कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि हम इसे जितनी बार भी बड़ा करेंगे टाइमलाइंस उतनी बार और ज्यादा क्रिएट होने लगेंगी और प्रेशर को बढ़ाने लगेंगी। ये सुनकर विक्टर टाइमली भी ऐसा ही बोलता है, वो सबसे कहता है कि टाइमलाइंस दुगनी तेजी से बढ़ रही है और वो एक तरीके से डबल हो रही है और इनके बढ़ने की क्षमता इनफिनाइट है, यानी कि ये बढ़ना कभी नहीं रुकेंगी। इसीलिए हम चाहे कुछ भी कर लें, हम ना तो टाइमलाइंस को क्रिएट होने से रोक सकते हैं और ना ही टेम्पोरल लूम को ब्लास्ट होने से। इन सारी बातों को सुनने के बाद सिल्वी सभी से कहती है कि लगता है कि ऐसा होना तय है, लगता है कि ये टेम्पोरल लूम ब्लास्ट होकर ही रहेगा और इसके अंदर जितनी भी टाइमलाइंस हैं वो सब भी मिट कर ही रहेंगी और उनके अंदर की सारी जिंदगियां भी खत्म हो जाएंगी। ये देखकर लोकी पूरी तरह से टूट जाता है और वो ये बिलीव ही नहीं कर पाता कि वो इस तबाही को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा है। बट तभी लोकी ये सोचता है कि जब तक हीहू रिमेंस जिंदा था तब तक उसके सेक्रेट टाइमलाइन की वजह से सारी चीजें बिल्कुल ठीक थी और सब कुछ एक फ्लो में चल रहा था, लेकिन उसके मरने के बाद से सब कुछ गड़बड़ होने लगा। और फिर यही सोचने के बाद लोकी सीधा टाइम स्लिपिंग के जरिए पास्ट में ठीक उसी टाइम पर पहुंच जाता है
जिस टाइम पर सिल्वी ही हुरिवेस को मारने जा रही थी, और वो सिल्वी के आगे आकर ही हुरिवेस को मारने से उसे रोक देता है और यहाँ आकर वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि ही हुरिवेस को मारने से सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा और इसीलिए इसके जिंदा रहने से सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन सिल्वी लोकी की कोई बात नहीं मानती और वो लोकी से कहती है कि मैं इसे खत्म करके रहूंगी और अगर तुम्हें मुझे रोकना है तो तुम्हें मुझे खत्म करना होगा। बट लोकी ऐसा कुछ नहीं करता और वो सिल्वी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सिल्वी तब भी ही हुरिवेस को मार देती है, जिसके लिए लोकी फिर से उसी टाइम में वापस आता है और फिर से सिल्वी को समझाता है। बट सिल्वी इस बार भी नहीं मानती और इसी तरह से वो बार बार आकर सिल्वी को समझाता है, लेकिन सिल्वी बिना उसकी बात समझे ही हुरिवेस को मार देती है। लेकिन लोकी के बार बार ऐसा करने के बाद भी सिल्वी उसकी बात नहीं मानती है। इसके बाद लोकी एक बार फिर से टाइम में पीछे आता है और वो इस बार फिर से सिल्वी को समझाता है, बट सिल्वी इस बार भी उसकी कोई बात नहीं सुनती। लेकिन इस बार वो ही हुरिवेस से बात करता है और लोकी ही हुरिवेस को कहता है कि तुम कुछ करते क्यों नहीं हो, तुम इसे समझाने की कोशिश करो। और फिर लोकी ऐसा बोलते ही हुरिवेस अपना डिवाइस उठाता है और वो टाइम स्टॉप करके सिल्वी को अपनी जगह पर रोक देता है। ये देखकर लोकी हैरान हो जाता है कि आखिरकार उसने सिल्वी को स्टॉप कैसे कर दिया। बट फिर ही हुरिवेस उससे कहता है कि क्या तुमने अभी तक टाइम को स्टॉप करना नहीं सीखा, मुझे लगा था टाइम स्लिपिंग के साथ साथ तुम उसे भी कंट्रोल करना सीख जाओगे। ये सुनकर लोकी थोड़ा हैरान होता है कि आखिरकार ही हुरिवेस को उसकी टाइम स्लिपिंग के बारे में कैसे पता है। बट इसके आगे ही हुरिवेस लोकी से कहता है कि अब तक जो भी कुछ हुआ है मैं सब कुछ जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम यहाँ पर पहली बार नहीं आए मुझे बचाने के लिए, बल्कि तुम पहले भी बहुत बार आ चुके हो। ये सुनकर लोकी ही हुरिवेस से पूछता है कि आखिर उसे इन सब के बारे में कैसे पता है। बट ये सुनते ही हुरिवेस उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई है, इन सब की शुरुआत मुझसे ही हुई है, मैंने ये सब शुरू किया है और इसीलिए मैं ये भी जानता हूँ कि तुम ये सोच रहे थे कि तुम मुझे खत्म कर दोगे और सारी चीजों को ठीक कर दोगे, लेकिन याद है ना मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे फिर से मिलूंगा और देखो मेरा पुनर्जन्म हो गया। इसके आगे ही हुरिवेस लोकी को टोन मारते हुए कहता है कि आखिर तुम्हें लगा क्या था, वो लड़की मुझे मारने आएगी और मैं यहीं पर बैठा रहूंगा और उसे खुद को मारने भी दूंगा और उसके बाद मैं मर जाऊंगा, यानी कि ही हुरिवेस खत्म, मजाक चल रहा है क्या। इसके बाद ही हुरिवेस लोकी से कहता है अगर अभी भी कुछ डाउट लग रहा हो तो जो तुम कर रहे हो उसे 1000 बार और कर लो, लेकिन अगर तब बात समझ में आ जाए तो बातचीत के लिए आ जाना। ये सुनकर लोकी ही हुरिवेस से बातचीत के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद ही हुरिवेस सिल्वी को वहाँ से गायब कर देता है और लोकी के साथ बैठकर बातें करने लगता है। यहाँ ही हुरिवेस लोकी से कहता है कि मैं तुम्हारी दिक्कत के बारे में जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि विक्टर टेम्पली ने तुमसे कहा था कि टेम्पोरल लूम की क्षमता को बढ़ाना इम्पॉसिबल है और टेम्पोरल लूम ब्लास्ट होकर ही रहेगा, लेकिन मेरे बेटे ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में बात यह है कि उस टेम्पोरल लूम को ऐसा डिजाइन किया गया है कि वो सैक्रेड टाइमलाइन को बनाए रख सके और उसके लिए अगर कोई भी दूसरी टाइमलाइन उसके आड़े आए, यानी कि उस पर दूसरे टाइमलाइन का प्रेशर बढ़े, तो वो उन दूसरे टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय कर दे और सैक्रेड टाइमलाइन को बनाए रखे। और इसी तरह से टीवीए का खत्म होना भी सैक्रेड टाइमलाइन को बचाए रखने का सिर्फ एक प्रोसेस है, मतलब कि क्योंकि टेम्पोरल लूम पे प्रेशर बढ़ रहा है इसीलिए वो सैक्रेड टाइमलाइन को बनाए रखने के लिए बाकी दूसरी टाइमलाइन के साथ साथ टीवीए को भी खत्म कर रहा है ताकि सैक्रेड टाइमलाइन में कोई दिक्कत ना हो। और फिर इसके आगे ही हुरिवेस लोकी से ये भी कहता है कि टीवीए का मिटना कोई बड़ी बात नहीं है, आखिर टीवीए तो फिर से बन जाएगा, ये तो सिर्फ एक छोटी सी कीमत है। और इसके आगे वो लोकी से कहता है कि तुम्हारी किस्मत में सिर्फ हार नहीं लिखा है, तुम अब तक सिर्फ हारते आए हो और इसीलिए इस खेल के अंदर भी तुम हारोगे। बढ़िया सुनकर लोकी अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और कुछ टाइम बाद ही हुरिवेस से कहता है कि मैं इस पूरे खेल को ही बदल दूंगा, यानी कि मैं तुम्हारे टेम्पोरल लूम को ही तोड़ दूंगा। बढ़िया सुनकर ही हुरिवेस उससे कहता है कि इस टेम्पोरल लूम ने महायुद्ध को रोक रखा है और इसीलिए अगर टेम्पोरल लूम टूटा तो सैक्रेड टाइमलाइन भी खत्म हो जाएगी और अब तक जितने सुकून से तुम लोग रहते आए हो वो इसी वजह से हो पाया क्योंकि मैं यहाँ पर बैठा था, मैंने तुम सबको बचाया है और यकीन मानो ये मेरा रहम है। और टेम्पोरल लूम के टूटते ही मेरे दूसरे बहुत से वेरिएंट्स आएंगे जो कि मेरी तरह रहम नहीं करेंगे। बट इसी के आगे वो लोकी को एक और ऑप्शन देता है, वो सिल्वी को लोकी के सामने फिर से ले आता है और वो लोकी से कहता है कि एक काम करो इसे खत्म कर दो क्योंकि तब से यही तुम्हारे काम के बीच में आ रही है, इसे तुम खत्म कर दो जिसके बाद तुम और मैं मिलकर टेम्पोरल लूम को बचाए रखेंगे और सैक्रेड टाइमलाइन जिस तरह से चल रही है उसे चलाए रखेंगे। ये सुनकर लोकी को कुछ भी समझ नहीं आता और इसीलिए वो टाइम में काफी पीछे आ जाता है, ठीक उसी टाइम पर जिस टाइम पर उसे टीवी ने पकड़ा होता है और मोबियस उससे इंटरोगेशन कर रहा होता है। यहाँ पर आने के बाद लोकी मोबियस से बातें करता है और वो मोबियस से पूछता है कि वो टीवी वाले दूसरे लोगों को मारते हैं, बेसिकली ब्लोन करते हैं, लेकिन उस तरह से वो लोग उनकी जिंदगी खत्म ही करते हैं, तो आखिर उन टीवी वालों को ये सब करने में क्या मजा आता है। बट ये सुनकर मोबियस उसे एक स्टोरी सुनाता है और लोकी को यह समझाने की कोशिश करता है कि जब किसी एक की वजह से कोई बड़ी तबाही आ रही हो तो उस टाइम पर हमें उस एक को खत्म करके उस बड़ी तबाही को रोकना चाहिए क्योंकि हमें हमेशा ही अंजाम के बारे में सोचना चाहिए, ना कि उस एक शख्स के बारे में। ये सुनने के बाद लोकी को मोबियस की बातें समझ आ जाती है और फिर वो वहाँ से मोबियस से हाथ मिलाकर वहाँ से चला जाता है और टाइम स्किपिंग के जरिए सीधा सिल्वी के पास आ जाता है। यहाँ सिल्वी के पास आने के बाद वो सिल्वी को सब कुछ बताता है और वो उसे ये भी बताता है कि वो ही हुरिवेस से मिला था और फिर वो सिल्वी से पूछता है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए क्योंकि या तो वो सिर्फ सैक्रेड टाइमलाइन को बचा सकता है या फिर वो कुछ भी नहीं बचा सकता। लेकिन सिल्वी उसे ये समझाती है कि लोकी जो हो रहा है उसे होने दो, सैक्रेड टाइमलाइन को बचाए रखने का मतलब भी ये नहीं है कि तुम सब कुछ ठीक कर रहे हो और वो इसीलिए क्योंकि सैक्रेड टाइमलाइन को बनाए रखने के लिए भी बहुत सारे लोगों की जिंदगियां तबाह की जाती है जैसे कि हमारी की गई। और रही बात टाइमलाइन के मिटने और जिंदगियों के तबाह होने की, तो जिनको भी इन सब चीजों का सामना करना पड़ेगा वो अपने लिए लड़ सकते हैं और अपने सही गलत के बारे में जान सकते हैं और इसीलिए हमें इन सब में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। इसके आगे सिल्वी लोकी से ये भी कहती है कि लोकी मैंने बहुत सी तबाही देखी है, मैं तबाही के बीच में पली बड़ी हूँ और इसीलिए कई बार कुछ चीजों का तबाह कर देना अच्छा भी होता है। फिर इसके बाद लोकी ये समझ जाता है कि आखिरकार उसे अब क्या करना है और इसी के लिए वो एक बार फिर से टाइम स्किपिंग करता है
और ठीक उसी टाइम पर पहुंच जाता है जिस टाइम पर विक्टर टाइमली को टेम्परल लूम के पास भेजा जाना था। यहाँ आने के बाद लोकी बिना कोई सूट पहने ही सीधा टेम्परल लूम के पास चला जाता है और टेम्परल लूम के पास आकर अपनी पावर से टेम्परल लूम को खत्म कर देता है। साथ ही साथ यहीं पर लोकी का पूरा कॉस्ट्यूम भी चेंज हो जाता है। लेकिन एक बार टेम्परल लूम के खत्म होते ही सारी टाइमलाइंस बिखर जाती हैं और वह धीरे धीरे करके मरने लगती हैं। ये देखकर लोकी एक दो टाइमलाइंस को पकड़ता है और उन्हें पावर देने की कोशिश करता है। जिनसे उन्हें पावर्स तो मिलती है और वो फिर से जिंदा भी होते हैं, बट लोकी के छोड़ते वो फिर से मरने लगते हैं। लोकी ऐसा और कई बार करता है बट बार बार ऐसा ही होता है, और इसीलिए लोकी ये समझ जाता है कि इन टाइमलाइंस को लगातार पावर देनी होगी। और फिर इसीलिए लोकी उन सारी टाइमलाइंस के धागों को पकड़ लेता है और उन्हें अपनी बॉडी से जोड़ने लगता है, और फिर वो एक जगह आकर बैठ जाता है जिसके बाद वो खुद से ही उन सारे टाइमलाइंस को पावर देने लगता है, जिससे कि वो सारी टाइमलाइंस जिंदा रहती हैं। इसे आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि लोकी यहाँ पर खुद ही एक टेम्पोरल लूम बन जाता है, और फिर इस तरह से लोकी टेम्पोरल लूम को खत्म करके उन सारे टाइमलाइंस को बचा लेता है। इसके कुछ टाइम बाद हम ये देखते हैं कि टीवी एक बार फिर से वैसे फंक्शन कर रहा है जैसे वो पहले करता था, बट इस बार उनके स्क्रीन के ऊपर कोई एक सेकंड टाइमलाइन नहीं है बल्कि ठीक वैसी सारी टाइमलाइंस है जैसी लोकी ने क्रिएट किया है। और इनकी बातचीत से हमें ये भी पता लगता है कि इस बार इनका काम ये नहीं है कि वो सेकंड टाइमलाइन के फ्लो को बनाए रखें, बल्कि इस बार इनका काम ये है कि वो सभी कैंग के दूसरे वेरिएंट्स को तबाही मचाने से रोकें। हालांकि इसी दौरान हमें मोबियस के मुंह से ये भी सुनने को मिलता है कि कैंग का एक वेरिएंट अर्थ 616 के पास आ चुका था, लेकिन उन्होंने उसे रोक दिया था। अब ये उन्होंने कौन है ये तो हमें आगे पता लगेगा, लेकिन हाँ हम इतना जरूर जानते हैं कि आगे की आने वाली मूवीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसके बाद मोबियस इन सब चीजों को छोड़कर वापस से अपने घर के पास जाता है। इधर दूसरी तरफ हमें रेवोना रेंसलेयर दिखती है जो कि जिंदा है और किसी अनजान सी जगह पर है, लेकिन तभी फिर उसके आगे कोई अनजान सी मशीन आकर रुकती है और उसके अंदर से कई सारी लाइटें निकलती है जो लाइटें रेवोना के चेहरे पर चमकती है, लेकिन वो क्या है हमें ये नहीं दिखाया जाता। इसके बाद हम मोबियस को देखते हैं जो कि अपने घर के सामने होता है और खुद के साथ साथ अपने बच्चों को भी देख रहा होता है। यहीं पर सिल्विया उससे मिलती है और उससे पूछती है कि आखिर वो क्या करेगा, जिस पर मोबियस उसे बताता है कि अब वो जिंदगी को जीना चाहता है। और फिर इसके बाद सिल्वी भी यहाँ से चली जाती है। एंड देन लास्ट में हमें लोकी दिखता है जो कि सभी टाइमलाइंस के सेंटर में बैठकर उन सारी टाइमलाइंस को पावर दे रहा है, और यहीं पर वो अपने दोस्त मोबियस की बातों को भी सुन रहा था, जिससे कि हमें ये भी पता लग जाता है कि लोकी ना सिर्फ इन सारे टाइमलाइंस में क्या चल रहा है उन्हें जान सकता है बल्कि वो काफी हद तक उनमें इंटरफेयर भी कर सकता है। और शायद से जिसने अर्थ 616 पर आने से कैंग के वेरिएंट को रोका था वो भी शायद से लोकी हो सकता है। बट अब हालांकि एक्चुअल में क्या हुआ है और क्या होने वाला है ये तो हमें फ्यूचर की मूवीज में पता लगेगा।